वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, तो मैं बता दूं आपको, लास्ट क्लास में आप लोगों ने वेक्टर को स्टार्ट किया था और वेक्टर के बारे में कुछ चीजें जानी थी, जैसे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, दूसरी बात ये थी कि वेक्टर के प्रकार कैसे होते हैं। तो वेक्टर के प्रकारों में आपने चार टाइप पढ़ लिए थे। लास्ट जो आपने प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था आपने यूनिट वेक्टर, मतलब एकांशक। जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो फटाफट से जाके पहला लेक्चर देख ले, ताकि दूसरे लेक्चर को हम लोग एकदम अच्छे से समझ सके। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या करना है कि आज यूनिट वेक्टर के बाद समझना है जो पांचवा टाइप है वेक्टर का, और वो है आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, ओके, जीरो वेक्टर। तो सिंपली मैं बात करूं कि जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो का मतलब ही है कि जिसका परिमाण ना हो। सच्चाई तो बताऊं तो जीरो का मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होता है, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम इसको पढ़ते क्यों है, ये भी तो बात है। अभी मैं बताता हूं कि जीरो हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जीरो वेक्टर का मतलब है कि वह सदिश जिसका परिमाण जीरो हो जाए, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है, शून्य सदिश कहलाता है। सिंपल है, इसको दिखाना है बच्चों, तो इसका या जीरो वेक्टर या फिर बच्चों जीरो कैप से दिखाया जाता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है, प्रदर्शित होता है, ये दो तरीके से दिखाया जाता है। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, वेक्टर ऑफ जीरो या फिर कैप ऑफ जीरो। सच्चाई अब यहाँ पे फिर से आ गई कि यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे कैसे। तो इसके पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स को देखते हैं कि इसकी जरूरत मैथमेटिकल टर्म्स में, मतलब गणितीय रूप में क्यों होती है, पहले ये समझने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर ऑफ ए अगेन, और ये दोनों है इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड में दिशाएं अलग अलग है, मतलब असमांतर है, असमान भी कह सकते हैं। अगर दोनों वेक्टरों को आपस में हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर बच्चों जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो। क्योंकि दो सदिशों को आपने सॉल्व किया है तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सदिश ही होनी चाहिए, क्योंकि दो जैसे इंसानों के बच्चे इंसान होते हैं, जानवरों की जानवर ही होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो वेक्टरों का जो रिजल्ट आने वाला है एडिशन से, वो क्या मिलने वाला, वेक्टर ही मिलने वाला है, जिसको आपको वेक्टर दिखाना ही होगा। ठीक है, वे बात की बात है कि इसका परिमाण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये दोनों सेम वेक्टर है, अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो फिर मिलने वाली राशि क्या होगी, अगेन मैथमेटिकली जीरो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। सिमिलरली मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, अगर किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी सदिश को, मान लीजिए सदिश है, और सदिश से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी राशि सदिश ही हो जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये सदिश से किसी जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाली राशि क्या होनी चाहिए, जीरो, जो कि वो भी एक क्या होगी, सदिश ही होगी। ठीक है, सदिश ही होगी, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है सदिशों का मैथमेटिकल फॉर्मेट। अब आप बात करेंगे कि इसका भौतिक अस्तित्व क्या है। ठीक है, ओके, तो भौतिक अस्तित्व मतलब इसको हम ऐसे कैसे दिखाएंगे। तो भौतिक अस्तित्व में सबसे पहले बच्चों आता है हमारे पास ये कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है जो कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अगर कोई वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका विस्थापन कितना होता है, अगर घूम कर एक चक्कर ले लेता है तो एग्जैक्टली जीरो होता है विस्थापन। तो अगर कोई वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उसका विस्थापन क्या होगा, जीरो। तो ये विस्थापन तो एक सदिश राशि थी, तो जीरो बनता है, जीरो बनता है, तो जीरो दिखाना बन रहा था, और विस्थापन हम कह सकते हैं कि इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि व्यक्ति जो है वो साइक्लिक ऑर्डर पे चला होगा। सिमिलरली मेरे पास एक और तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वेग, अगर किसी का वेग जो है वो जीरो है, ये कैसे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है बच्चों। अगर मैं गेंद को सीधे में ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकूं तो गेंद ऊपर जाते जाते अपना वेग खोते जाता है, और जब उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, घटकर जीरो हो जाता है। तो ये भी क्या बताता है, जीरो प्रोग्राम बताता है कि वेग जीरो हो सकता है जब गेंद को ऊपर फेंका जाए।
तीसरा जो है बच्चों ये तो अब क्या पॉसिबल है, अगर मान लीजिए कि कोई गेंद जो है या फिर कोई बॉल है जो एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, अगर कोई गेंद एक समान वेग से गति करेगा अभी त्वरण जीरो होगा, क्योंकि उस समय हमको पता तो है कि वो एक ही दिशा में चल रहा है और त्वरण जो भी है वो इस समय नहीं है, मतलब जीरो है, तो इस समय त्वरण को हम जीरो वेक्टर से दिखा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ भौतिक महत्व थे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगले वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगला वेक्टर जो बच्चों हमारा होगा वो होगा समतलीय सदिश। ओके, समतलीय सदिश इसको हम लोग कहेंगे समतलीय सदिश। देखिए बड़ा ही प्यारा सदिश है ये, इसको हम लोग कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक, को प्लेनर। अब ये समझते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे सदिश है, मतलब बल है, वेग है, या फिर बहुत सारे बल हैं, और अगर सारे बल एक ही तल पर अलग 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 दिशाओं पर लग रहे हैं तो इस तरीके के सदिशों को हम लोग कहते हैं समतलीय सदिश। बात समझ आ गई। तो किसी तल पर लगने वाले समस्त सदिशों को समतलीय सदिश कहा जाता है, समतलीय सदिश कहा जाता है। बात समझ आ रही? कैसे बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम से हमें दिखाना होगा वेक्टर को। तो यहां पर ये वाला जो डायग्राम है ये एक्स अक्ष, ठीक है, वाई और जेड अक्ष से बना है। तो नीचे वाला जो प्लेन है, ये नीचे वाला जो प्लेन है ये बना है आपका एक्स वाई से, और ऊपर वाला जो प्लेन है ये बना है आपका वाई जेड से। अगर नीचे कुछ वेक्टर है बच्चों, वेक्टर ऑफ ए, ये इधर वेक्टर ऑफ बी, और इधर वेक्टर ऑफ सी, और ऊपर बच्चों ये है डी, ये है एफ, और इस साइड में ई दिखा रखा हुआ आपने, तो नीचे वाले ए बी और सी एक्स और वाई पर समतलीय है। वहीं अगर मैं बात करूं ई एफ और डी का तो वो वाई और जेड पर समतलीय है। तो यहां पर वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी और वेक्टर ऑफ जो सी है वो समतलीय है। और किस अक्ष पर आप बता सकते हैं कि ये समतलीय है आपके एक्स वाई पर, ठीक है, असमली ऊपर वाले भी समतलीय सदिश कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ू मैं तो बच्चों, ये समतलीय सदिश के बाद हमारे ध्यान में अगला जो टर्म आता है उसका नाम है लंब कोणीय सदिश। ओके, लंब कोणीय सदिश, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं यहां पर इंग्लिश में, इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। ओके, ठीक है, ऑर्थोगोनल लंब कोणी। अगर मैं बात करूं किसी सदिशों को रिप्रेजेंट करना है अक्षों पर, तो अक्षों पर अक्ष हमारे पास कितने हैं? तो फिलहाल के लिए जो मैं यूज करता हूं कॉपी पर वो तीन तरीके के अक्ष होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है जेड, ठीक है। तो हर अक्ष का एक निर्धारित पता होता है कि हमें कहां जाना है, निर्धारित दिशा होती है। तो एक्स अक्ष भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, एक्स का नेगेटिव एक्सिस, वाई का भी वही होता है पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव, और जेड का भी वही होता है। तो हमारे पास तीन अलग अलग डायमेंशन है, हर अक्ष का एक निर्धारित दिशा होती है। तो हर अक्षों को दिशा के आधार पर दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एकांक मान दे दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक्स अक्ष में जा रहे हैं तो एक्स अक्ष में एक निर्धारित इकाई होगी और उस इकाई को हमने नाम दिया है आई कैप। इस तरीके से वाई एक्स को निरूपित करना है तो वाई एक्स की इकाई जो निर्धारित होगी वो होगी जे कैप, और इसी प्रकार से मैं बात करूं जेड एक्स की इकाई की तो जेड एक्स की एक निर्धारित इकाई होगी, उसे हम मैं कहूंगा के कैप, ठीक है, के कैप। ओके, तो लंब अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित किए जाने वाले इकाइयों को, लंब अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित किए जाने वाले इकाइयों को हम लंब कोणीय सदिश कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन समझ जाइए, लंब अक्षों के सापेक्ष निरूपित किए जाने वाले इकाइयों को, इकाई मतलब एकांक सदिश है, इकाइयों को
लंब कोणीय सदिश कहते हैं। ओके, बात समझ आई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो एक्स अक्ष पे आई कैप और वाई अक्ष पे जे कैप और जेड अक्ष पे के कैप होता है, ये आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे सुरेश है, रमेश है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कहां पे एक्स अक्ष में, तो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो उसका वेग होगा, और वेग को दिखाना होगा तो परिमाण हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और अगर मुझे दिखाना है कि किस दिशा में एक्स अक्ष में चल रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं आई कैप। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि वो वाई अक्ष में एक्सिस में दौड़ने लगा तो अगर वाई अक्ष में दिखाना होगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड जे कैप। तो बात समझ में आ रही बच्चों कि जो जे कैप, के कैप और आई कैप है ये हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये दो सदिश यहां पर हो गए। अब मैं सदिशों को थोड़ा यूज करूंगा, मतलब एज अ एप्लीकेशन। तो सदिशों को यूज कैसे करते हैं? सदिशों को बच्चों यूज करते हैं हम लोग एडिशन प्रोग्राम में, मतलब आइए सदिशों का योग करते हैं। ठीक है, तो सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके फाइन, आइए पहले बात करूं मैं सदिशों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए मेरे पास तरीका होना चाहिए। तो सदिश मान लेते हैं वेक्टर ऑफ ए तथा वेक्टर ऑफ बी का सदिश योग वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, तब तो डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। तो दिस इज वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी का एडिशन। ठीक है, तो ये वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी का एडिशन आपने करना शुरू कर दिया। इसको भी हम दो तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपने तरीके से। तो पहला जो तरीका मेरा होने वाला है उसको हमने नाम दे दिया है जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग ज्यामितीय विधि कहते हैं, ज्यामितीय विधि। ओके, ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि में बच्चों कैसे ट्रीट करेंगे हम, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला, अगर मेरे पास दो सदिश है, वेक्टर ऑफ ए ये है बच्चों और ये है वेक्टर ऑफ बी। ठीक, ये वेक्टर ऑफ ए है, ये वेक्टर ऑफ बी, दो वेक्टर है, इनको जोड़ना है ज्यामितीय विधि से। मेरे पास और एक है वेक्टर ऑफ ए, ये है बच्चों और ये है वेक्टर ऑफ बी। तो अगर मुझे जोड़ना होगा तो मैं इसको कैसे देखूंगा, जोड़ूंगा कैसे? तो जोड़ने का जो तरीका होगा, ये वेक्टर ऑफ ए था, ये वेक्टर ऑफ बी था, तो कैसे दिखाएंगे? तो इसको जोड़ने का जो तरीका है, इसका एडिशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, तो ए को अगर आप वापस से बी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये लीजिए बच्चों, आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अगर आपने ऐसे कुछ तरीके से जोड़ दिया तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा आर। तो ए और बी का जो रिजल्ट है वो आर है। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइक्लिक ना हो। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है, ये इधर है, इसको हेड कहते हैं, हेड इधर है, फिर टेल है, फिर हेड है। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमेशा साइक्लिक ना हो, मतलब इस ऑर्डर में हो कि वो इसके रैंडमनेस को ब्रेक कर दे। तो इस तरीके का जो रिजल्ट होगा आर, वो इसके एडिशन को बताता है, और ये एडिशन होगा ए प्लस बी। ओके, मतलब साइक्लिक ना हो तो ये रिजल्ट हो जाएगा ए प्लस बी। कैसे साइक्लिक? अगर मैं यही चीज ऐसे ना बना करके कुछ इस तरीके से बना देता तो ये इधर हेटल, हेटल और फिर हेटल हो जाता, तो इसे साइक्लिक कहा जाता है। साइक्लिक वेक्टर का हम जिक्र बाद में करेंगे बच्चों। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए इधर मैं दिखाता हूं। अगर मेरे पास वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर ऑफ बी है, तो इसका एडिशन मुझे करना है, तो इसका भी साइक्लिक नहीं होना है, तो इसका जो एडिशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, हेड टेल। ठीक, और फिर उसके बाद टेल टेल से जोड़ा है, और ये वेक्टर ऑफ आर होगा, और ये हो गया ए प्लस बी। ओके फाइन, तो ये सदिशों को इस तरीके से हम जोड़ते हैं। मेरे पास ये ट्रायंगुलर मेथड था, ट्रायंगुलर मेथड। ठीक, इसी तरीके से मेरे पास एक और मेथड है ज्योमेट्रिकल में ही,
आइए वो भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल में दूसरा मेथड, बच्चों ज्योमेट्रिकल में दूसरे मेथड के अंतर्गत मेरे पास एक वेक्टर ये होता है और दूसरा वेक्टर ये होता है, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी। अगर मुझे इसको दिखाना होगा तो कैसे दिखाऊंगा मैं, तो देखिएगा इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वेक्टर ऑफ ए हो गया बच्चों हमारा ए, ठीक। और मुझे अगला वेक्टर यहाँ पे अटैच कर देना है, क्योंकि देखिए इसी के पैरेलल मैंने बना दिया वेक्टर ऑफ बी। अब इसका जो अगला रिजल्ट होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज वाले ज्योमेट्रिकल मेथड में, तो इसे हम लोग इसके डायगोनल पे ऐसे जोड़ देंगे। ये डायगोनल बच्चों मतलब इसका विकर्ण कहलाता है, और ये विकर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो ये R होगा, ठीक। और ये R जो होगा बच्चों यहाँ पर ये दिखाता है A प्लस B को। बात समझ में आ रही है, अगर आपको सदिशों को कुछ समांतर चतुर्भुज के द्वारा जोड़ना है तो इसके विकर्ण पर दिखा दीजिए, और अगर त्रिभुज के मेथड से जोड़ना है तो आप उसके कर्ण पर दिखा दीजिए। तो कर्ण का मेथड ये हो जाएगा कि अगर हमें त्रिभुज में जोड़ने के लिए दो सदिश भुजाएं अगर त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो उनका कर्ण उनका योग होगा। वही अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो समांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजाओं पर अगर दो सदिश है तो उनका जो विकर्ण होगा वो उनका योग होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये तरीके दो हो गए मेरे पास। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा ज्योमेट्रिकल मेथड से, और मैं देखूंगा एनालिटिकल मेथड, जिसका नाम दूसरे में लिया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल मेथड के बारे में। इसमें बच्चों क्या है, इसमें भी दो मेथड है बच्चों। पहला है ट्रायंगुलर मेथड, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगुलर मेथड त्रिभुज का नियम। इसमें क्या करना है बच्चों, मैं पहले बता दूं कि इसमें भी दो होगा त्रिभुज और चतुर्भुज, इन दोनों के द्वारा हम त्रिभुज के और चतुर्भुज के नियमों से सदिशों के योग का एग्जैक्ट परिमाण निकालते हैं सॉल्व करके। तो ये दोनों चीजें हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अगले क्लास का वेट करिए। धन्यवाद।